हेलो टीचर्स, मेरा नाम है राहुल और आपका क्लास प्लस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर ऑनलाइन टीचिंग के बिजनेस को बढ़ाने की है बात, तो क्लास प्लस है हर कदम पर आपके साथ। अगर आप एक टीचर, एजुकेटर या कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप काफी लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते होंगे, मगर यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक खुद पहुंच जाए। वीडियो काफी डिटेल होने वाली है, इसीलिए बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा, कहीं आप कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें। जब एक टीचर और पेरेंट सेम पेज पर होते हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा स्टूडेंट का ही होता है। जितना जरूरी एक स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता होता है, उतना ही जरूरी एक टीचर और पेरेंट का भी रिश्ता होता है। आज मैं बताऊंगा ऐसे 5 तरीके जिससे आप पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं। इसे हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, शेयर योर पर्सनालिटी, लर्न देयर पर्सनालिटी। ऑफलाइन स्कूल के दौरान टीचर और पेरेंट्स का मिलना वैसे भी लिमिटेड होता था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से यह और ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसलिए आपको पेरेंट्स को जानने के लिए पहला कदम उठाना चाहिए। इसके लिए आप उनसे 1-on-1 वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। उस वीडियो कॉल पर आप उन्हें एक स्माइल के साथ ग्रीट कर सकते हैं, और साथ ही साथ बीच बीच में आप उनका नाम लेकर उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको ये बता सकते हैं कि जब उन्हें आपसे बात करनी हो, तो आप कैसे और कब अवेलेबल रहेंगे। ये छोटे छोटे जेस्चर्स लॉन्ग लास्टिंग और पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, अगर पेरेंट्स पर आप अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे, तो पेरेंट्स भी बिना किसी चिंता के अपना बच्चा आपके पास छोड़ पाएंगे। अगला पॉइंट है, कीप पेरेंट्स इन द लूप। वैसे तो पेरेंट्स को लूप में रखना टीचर के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसे ऑनलाइन अच्छे से करने के लिए एक प्लानिंग की जरूरत होती है। स्टूडेंट्स की वीकली रिपोर्ट शेयर करके आप पेरेंट्स का अच्छा कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं। ऐसे जेस्चर से पेरेंट्स को यह पता चलता है कि आप उनके बच्चे में कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बच्चों की वीकनेस बताना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस कन्वर्सेशन को आप गुड न्यूज के साथ लीड करें। तो बन जाइए एक न्यूज रिपोर्टर और स्टूडेंट्स की खबर देते रहिए उनके पेरेंट्स को। अगला पॉइंट है, गेट क्रिएटिव विद कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में एक गेम चेंजर का रोल प्ले करती है। आज के टाइम में टीचर्स पेरेंट्स से कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट्स, ईमेल्स, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस एक्सेट्रा। बट ट्राई कीजिए कि कम्युनिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन या फिर एक प्लेटफॉर्म यूज करें। मल्टीपल एप्लीकेशन या फिर मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करने से कन्फ्यूजन भी हो सकती है। बात करना एक कला है, और इस कला को और निखार सकती है टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट है, नो मोर नो लेस जस्ट राइट। जब आप पेरेंट्स को उनके बच्चों की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बात क्रिस्प एंड क्लियर होनी चाहिए, न कम न ज्यादा। आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि पेरेंट्स के पास वो ऑप्शन हो कि वो किसी भी कन्वर्सेशन से निकल पाए जो कि उनके बच्चों के बारे में नहीं है। अगला पॉइंट है, सेट स्पेसिफाई एंड शेयर द रूल्स। जब से ऑफलाइन क्लासेस ऑनलाइन बनी है, तब से टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रक्चर में काफी चेंज आया है। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए रूल्स को भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे रूल्स पेरेंट्स को बताना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जीरो टॉलरेंस बिहेवियर और एक्शन क्या है, स्कूल पेरेंट्स और स्टूडेंट को इस रूल्स में कैसे सपोर्ट कर रहा है, ऐसे सवालों के जवाब पेरेंट्स को देना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि पूरे साल सब कुछ स्मूथ रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और ये भी समझ आ गया होगा कि आप पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं। ये तो हो गई आपकी बात, अब करते हैं आपकी बात। अगर आप एक टीचर हैं या फिर अपना कंटेंट ऑनलाइन सेल करते हैं, तो आप भी क्लास प्लस से अपने खुद के ब्रांड का एक ऐप बनवा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।